तस्वीरों में आप देख लीजिए, एक बड़ा हादसा हो जाता है करनाल के त्रावड़ी में, एक बड़ा हादसा हो जाता है और एक पूरी बिल्डिंग देख लीजिए जिसमें प्रवासी मजदूर रहते थे और वो सभी के सभी मजदूर इस बिल्डिंग के नीचे दब जाते हैं। 8 मजदूरों को फिलहाल बाहर निकाला जा चुका है और भी बताया जा रहा है भारी संख्या में मजदूर इसके बिल्डिंग के मलबे के नीचे दबे हुए हैं। अब मलबे को हटाने का जो काम है वो यहाँ पर चल रहा है, राहत एवं बचाव कार्य यहाँ पर चल रहा है और भारी संख्या में पुलिस की टीमें आप यहाँ पर देख रहे हैं। प्रशासन भारी संख्या में पहुँच चुका है और अगर बात करूँ एम्बुलेंस के और दमकल विभाग की गाड़ियाँ यहाँ पर काफ़ी भारी संख्या में ज़रूर मौजूद हैं। देख लीजिए कि अब JCB के माध्यम से देखिए 3 JCB यहाँ पर काम करती हुई दिखाई दे रही हैं। मलबे को हटाया जा रहा है, अंदर DSP, SP और DC सभी अंदर हैं। लाइव तस्वीरें देख लीजिए दोस्तों, एक बहुत ही दर्दनाक हादसा यहाँ पर हो जाता है जिसमें भारी संख्या में लोग जो हैं इस बिल्डिंग के मलबे के नीचे दब जाते हैं। देख लीजिए सभी को पीछे ज़रूर हटाया जा रहा है। अपील करूंगा खबर को साथ के साथ शेयर ज़रूर करते रहें। देख लीजिए लाइव तस्वीर इस समय हम आपको दिखा रहे हैं, देख सकते हैं, ये देखिए महिलाएं यहाँ पर रोती बिलखती हुई महिलाएं आपको यहाँ पर ज़रूर दिखाई देंगी कि आपके भी यहाँ परिवार के दबे हुए हैं। हमारा दामाद है, हमारा दामाद है, मेहमान है, काफ़ी लोग रहते थे इस बिल्डिंग में, काफ़ी लोग हैं, हम सारे निकल गए, मेरा मामान अभी नहीं निकला, दो बच्चे छोटे दो छोटे छोटे बच्चे सारे जगह ये तोरबा ने जब तक निकलेगा 3 बजे टूट रहा है। 500 बंदे हमारे यहाँ पर लगी हुई है, जल्दी तोड़ेगा जब मेरा दामाद है, दामाद है, मेरा मेहमान है, मेरा मेहमान बाहर से आया होता, दामाद बिहार से आ रहे हैं, काम करते थे यहीं पे, इसमें नंगर है, ये तो सारे नंगर है, वो सारे सो रहा था बंदे रात के 3 बजे से लेकर अभी तक प्रशासन कुछ कर रहा है, अभी तक कितना निकाल लेते हैं, जो जिंदा है वो भी मर जाएगा, वो भी मर जाएगा, तो नहीं है लेकिन नई बिल्डिंग कैसी गिर गई, कुछ कारण ये नहीं, 5 इंच दीवार खड़ा कर दिए, इसमें कोई जान है जो गिरेगा नहीं, अरे टूटा पड़ा है, लाला कड़वाई नहीं करा, 3-4 दिन से बोल रहे हैं ठीक कराओ ठीक कराओ, जान मारने के लिए लाए हैं 3-4 दिन, और भी महिलाएं यहाँ पर है देख लीजिए, और भी महिलाएं रो रही है, आपके भी परिवार का मर जाते हैं, समझ नहीं मिले अभी, अभी नहीं मिल रहा है, पति आपके नहीं, हमारा जेठ का लड़का है, निकला बाहर निकाला, अभी नहीं निकाला है, जेठ का लड़का है, लोग रहते हैं इसमें, वो तो कि बहुत आदमी है, वो पता नहीं, जेठ का लड़का है मेरा, बीपी नाम है, पंकज नाम है। दोस्तों देख लीजिए कि इस प्रकार से महिलाएं रो रही हैं, बिलख रही हैं, क्योंकि इनके परिवार के जो लोग हैं वो अंदर दबे हुए हैं। लाइव तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस प्रकार से भारी संख्या में लोग यहां पर इकट्ठा होना शुरू हो चुके हैं और पुलिस की टीमें लगातार आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से यहाँ पर, देख लीजिए लाइव तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं कि एक बहुत बड़ा हादसा, बहुत दर्दनाक हादसा हो जाता है। कहा यह जा रहा है कि बहुत ज़्यादा संख्या में जो लोग हैं वो इस बिल्डिंग के मलबे के नीचे दबे हुए हैं और लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं किस प्रकार से एक बड़ा हादसा यहाँ पर ज़रूर हो जाता है। तो लाइव तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो बिल्डिंग है तो यहाँ पर बिल्डिंग गिर जाती है और काफ़ी मजदूर जो है इसमें दब जाते हैं। राहत एवं बचाव कार्य आप देख सकते हैं यहाँ पर किया जा रहा है, लाइव तस्वीरों में आप देख लीजिए, और काफ़ी संख्या में प्रशासनिक जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। JCB के माध्यम से देखिए बिल्डिंग का जो मलबा है वो हटाया जा रहा है। लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं कि एक बड़ा हादसा हो जाता है, जी हाँ, एक बड़ा हादसा यहाँ पर हो जाता है।
दोस्तों एक बहुत बड़ा हादसा हो जाता है कि एक बिल्डिंग जिसमें राइस मिल की जो लेबर है वो रहती थी, और देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो बिल्डिंग है पूरी की पूरी बिल्डिंग गिर जाती है। रात को मजदूर सो रहे थे और सोते हुए उनके ऊपर जो है बिल्डिंग गिर जाती है और सभी मजदूर जो है इसमें दब जाते हैं। लाइव तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो प्रशासन की टीमें हैं वो यहाँ पर ज़रूर पहुँची हुई हैं। देखिए एम्बुलेंस मौके पर है, एम्बुलेंस मौके पर है और देखिए व्यक्तियों को निकाला जा रहा है। जो नीचे जो लोग नीचे दबे हुए हैं उनको निकालने का प्रयास यहाँ पर ज़रूर किया जा रहा है। देख सकते हैं कि एक बड़ा हादसा, एक बहुत बड़ा हादसा यहाँ पर हो जाता है। और इधर आप देख सकते हैं तमाम जो SHO हैं वो सब यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, DSP पहुँचे हुए हैं और राहत एवं बचाव कार्य यहाँ पर जारी हैं। देख लीजिए कि पूरी की पूरी टीम करनाल के SP हैं, करनाल के DC हैं, देख सकते हैं कि करनाल के SP और DC भी जो है यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। आप खुद देख सकते हैं कि किस प्रकार से सभी लोग जो है यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। लाइव तस्वीरों में आप खुद देख सकते हैं एक बड़ा हादसा यहाँ पर हो जाता है। देख लीजिए कि राहत एवं बचाव कार्य यहाँ पर अभी भी जारी हैं। एक बड़ा हादसा दोस्तों यहाँ पर हो जाता है। लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से, देखिए जो मलबा है वो यहाँ पर हटाया जा रहा है, मलबा हटाने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। लाइव तस्वीरों में आप देख सकते हैं रात को सोते हुए मज़दूरों के ऊपर जो है पूरी की पूरी बिल्डिंग गिर जाती है। देखिए DSP हैं, DSP को आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर दिशा निर्देश देते हुए ज़रूर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि काफ़ी लोग इसमें दबे हुए हैं। 7 से 8 लोगों को जो है इसमें निकाल कर जो है अस्पताल में ज़रूर भेज दिया गया है, लेकिन अभी भी और भी लोग जो है काफ़ी लोग बताया जा रहा है कि इसमें अभी भी दबे हुए हैं। लाइव तस्वीरों में आप खुद देख सकते हैं किस प्रकार से, देख लीजिए लाइव तस्वीरें से हम आपको दिखा रहे हैं। अपील यही करूँगा इस खबर को साथ के साथ शेयर ज़रूर करें। SP हैं तो लाइव तस्वीरों में आप देख सकते हैं जो करनाल के SP हैं शशांक आनंद, वो यहाँ पर सभी जो तमाम SHO हैं, DSP हैं, उनसे यहाँ पर बातचीत करते हुए ज़रूर दिखाई दे रहे हैं। देख लीजिए यहाँ पर बातचीत करते हुए ज़रूर दिखाई दे रहे हैं। लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं इस जो SP हैं वो आप देख लीजिए DSP हैं उनसे बात कर रहे हैं, तमाम SHO हैं उनसे बात कर रहे हैं, क्योंकि राहत एवं बचाव कार्य जो है वो जो है देख लीजिए किस प्रकार से यहाँ पर जारी है। लाइव तस्वीरों में आप खुद देख सकते हैं। अपील करूँगा खबर को साथ के साथ शेयर ज़रूर करें। करनाल के जो DC हैं वो आप देख सकते हैं, करनाल के जो DC हैं वो भी आप देख लीजिए।